Now students, we discuss example 6.1. A girl carries a 10 kg bag upstairs up to a height of 18 steps, each 20 cm high. Calculate the amount of work she has done to carry the bag. Take gravity is equals to 10 meter per second square. Mass of the bag is 10 kg. इससे हम वेट फाइंड आउट कर सकते हैं. वेट इज इक्वल्स टू एम जी, मैस 10, ग्रेविटी 10, मल्टीप्लाई होंगे 100 न्यूटन्स. अब जितना उस बॉडी का वेट होता है उतनी ही उस पर फोर्स एक्ट कर रही होती है. दैट्स व्हाई हम वेट और फोर्स को इक्वल रख सकते हैं. तो फोर्स इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन जो हमारे पास वेट था. अब आपके पास हाइट देखें 20 सेंटीमीटर है. सबसे पहले तो सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.2 मीटर्स आ जाएगा. अब 18 स्टेप्स हैं और हर स्टेप की हाइट 20 सेंटीमीटर है. तो टोटल हाइट के लिए हमें हर टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स को ईच स्टेप की हाइट से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है. दिस इज कन्वर्ट 0.2 और 18. दैट्स वाई हाइट इज इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई बाई 0.2 इज इक्वल्स टू 3.6. अब हमारे पास वर्क डन होता है एफ इंटू एस. एस भी आपके पास स्टूडेंट्स डिस्टेंस होता है जबकि एच भी डिस्टेंस होता है. दोनों आपके पास मीटर्स का इनका यूनिट होता है. ओनली एच को हम वर्टिकल एक्सिस पे कंसीडर करते हैं जबकि डिस्टेंस हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है. जब भी कोई बॉडी ऊपर जमीन से ऊपर या ऊपर से नीचे की जाने मूव करती है तो हम उसको हाइट कंसीडर करते हैं. फोर्स इज 100 एंड हाइट इज 3.6. तो वर्क डन हमारे पास आ गया 360 जॉल. एनर्जी, द एनर्जी इज एन इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल कंसेप्ट इन साइंस. इट लिंक ऑलमोस्ट ऑल द नेचुरल फिनोमेना. व्हेन वी से दैट अ बॉडी हैज एनर्जी वी मीन दैट इट हैज द एबिलिटी टू डू वर्क. कोई भी बॉडी जो एनर्जी को पोजेस करती है उसमें एबिलिटी होती है वर्क करने की. वाटर रनिंग डाउन द स्ट्रीम हैज द एबिलिटी टू डू वर्क. वट सो इट पोजेसेस एनर्जी. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि वाटर रनिंग पोजेसेस एनर्जी होती है क्योंकि ये एक हाइट से गिर रहा होता है और इसकी वो स्पीड होती है. दैट्स वाई द एनर्जी ऑफ रनिंग वाटर कैन बी यूज टू रन वाटर मिल्स और वाटर टर्बाइंस. इस एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं वाटर मिल्स और वाटर टर्बाइंस को रन आउट करने के लिए जिनसे हम फर्दर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. एनर्जी एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स सच एज मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी. दीज आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. अ बॉडी पोजेसेस एनर्जी इफ इट इज कैपेबल टू डू वर्क. ये हमारे पास डेफिनेशन ऑफ एनर्जी है कि कोई भी बॉडी उस टाइम एनर्जी को पोजेस करेगी जिस टाइम वो कैपेबल होती है टू वर्क करने के. नाउ स्टूडेंट्स, मैकेनिकल एनर्जी के हमारे पास फर्दर टू टाइप्स होती हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस कर रहे हैं हम. वी कैन यूज विंड एनर्जी फॉर डूइंग वेरियस थिंग्स. इट ड्राइव विंड मिल्स एंड पुशेस सेलिंग बोट्स. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये विंड एनर्जी इन बोट्स को सेल ड्राइव करने के लिए या विंड मिल्स को चलाने के भी काम आती है. सिमिलरली मूविंग वाटर इन अ रिवर कैन कैरी वुडन लॉग्स थ्रू लार्ज डिस्टेंसेज. जब कोई रिवर के अंदर वाटर मूव कर रहा होता है ज्यादा स्पीड के साथ तो वुडन लॉग्स को ज्यादा डिस्टेंसेस तक मूव करवा के ले जाता है. एंड कैन आल्सो बी यूज टू ड्राइव टर्बाइंस फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी. और इसी पानी को हम यूज कर सकते हैं टर्बाइंस को रन आउट करने के लिए जो कि फर्दर हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं. दस अ मूविंग बॉडी हैज काइनेटिक एनर्जी. इस वजह से हमारे पास कोई भी बॉडी जिस टाइम मूव कर रही होती है तो वो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को पोजेस कर रही होती है. बिकॉज इट कैन डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन. द बॉडी स्टॉप्स मूविंग एज सून एज ऑल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज यूज अप. बॉडी उस टाइम स्टॉप कर जाएगी मूव करने से जिस टाइम उसमें मौजूद तमाम काइनेटिक एनर्जी यूज हो जाएगी. द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कि कोई भी बॉडी जिस टाइम अपनी मोशन को पोजेस करती है, अपनी मूवमेंट कंटिन्यू रखती है तो उस टाइम उसमें जो एनर्जी पोजेस होती है दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. अब यहाँ पे हम इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी का. हमने एक बॉडी का मास जिसका एम है उसको कंसीडर किया जो वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है. बॉडी स्टॉप्स करती है आफ्टर मूविंग थ्रू सम डिस्टेंस एस ड्यू टू सम अपोजिंग फोर्स सच एज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन इट. बॉडी ने कुछ डिस्टेंस एस कवर किया और उसके बाद बॉडी एट लास्ट पे स्टॉप कर गई ड्यू टू अपोजिंग फोर्स. और वो अपोजिंग फोर्सेज हमारे पास मोस्टली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो सकती है. द बॉडी पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी इज कैपेबल टू डू वर्क अगेंस्ट अपोजिंग फोर्स एफ. बॉडी ने अपनी मोशन की वजह से पोजेस की हुई थी काइनेटिक एनर्जी और वो इस अपोजिंग फोर्स की जो कि फ्रिक्शन की फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क डन करेगी अनटिल ऑल ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज यूज. उस टाइम तक जब तक इसकी तमाम काइनेटिक एनर्जी यूज अप हो जाती है. तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज इक्वल्स टू वर्क डन इज बाय इट ड्यू टू मोशन. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एफ इंटू एस क्योंकि हमारे पास वर्क डन होता है.
force into displacement. Initial velocity is v and final is zero. Here we discuss Newton's second law, which is f is equals to ma. यहाँ से हम a की value निकालेंगे तो minus f by m. क्योंकि हमारे पास मोशन को अपोज किया जा रहा है बाय फ्रिक्शन फोर्स, दैट्स वाई हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को माइनस के साइन के साथ शो किया जाता है, विच इज कॉल्ड रिटार्डेशन या डीसेलरेशन. अब हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को स्टूडेंट्स कंसीडर कर लिया, 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई का स्केयर. वी एफ इज फाइनल वेलोसिटी, वी आई इज इनिशियल वेलोसिटी. वैल्यूज पुट करेंगे, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास माइनस एफ बाय एम, फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, इनिशियल वेलोसिटी इज वी. तो यहां पे हमने एफ और एस को यहां पे रखा. इस ये एम जोन सा हमारे पास इक्वेशन की इस साइड पे डिवाइड हो रहा था, इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, और ये टू जोन सा इस साइड पे लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन पे मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट पे जाके ये डिवाइड हो गया. तो एफ इंटू एस इज इक्वल टू वन बाई टू एम वी स्केयर, और एफ एस इक्वेशन 6.3 से हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर. दिस इक्वेशन गिव्स द काइनेटिक एनर्जी पोजेस बाई अ बॉडी ऑफ मैस एम मूविंग विद वेलोसिटी वी. अब आप देख सकते हैं एक स्टोन जिसका मास है 500 ग्राम स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड. हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन एट द टाइम इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, मास 500 ग्राम. सबसे पहले इसको हम केजीज में कन्वर्ट करेंगे, विच इज 0.5 केजी, डिवाइड करवाएंगे इसको 1000 से, तो 0.5 केजी. वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, मास इज 0.5, वी इज 20, एंड अकॉर्डिंग टू फार्मूला वेलोसिटी का स्केयर हम ले लेंगे स्टूडेंट्स. जिस टाइम हम इन सब को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास लास्ट हमारा जो आंसर आएगा विच इज 100 जौल. दस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन इज 100 जौल एज इट स्ट्राइक द ग्राउंड. जौल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड एवरी एनर्जी हैज यूनिट जौल. दैट्स इट स्टूडेंट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द टॉपिक ऑफ स्केट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह.